हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूँ रोशन कुमार। आज के वीडियो में बात करेंगे त्रिकोणमिति पे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, यदि थीटा जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री है तो थीटा का मान क्या है। या हमको कह दिया कि थीटा जो है न्यून कोण है। तो न्यून कोण भी मतलब होता है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। तो हमसे पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या हो। तो आप लोग जानते होंगे कि टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है। टेन 0 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान और टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है, ये ध्यान रखिए। टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है और टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है। और कॉट जो होता है टेन का अपोजिट होता है। तो कॉट 0 कितना हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तब आप लोग को ये याद हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए टेन 45 डिग्री का मान 1 है। तो यदि हम थीटा के बराबर 45 डिग्री रख दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 2 आएगा कि नहीं। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। अब 1 का अपोजिट भी 1 ही होता है, तो कॉट 45 डिग्री का भी मान 1 ही होगा। तो 1 + 1 = 2। तो हमको पता चल गया कि यदि थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तो हमको जो है आंसर 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हुआ। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही हो गया कि यदि थीटा जो है 0 से 90 डिग्री है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। या आप लोग एक लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं करिए तपन ही अच्छा है। कॉट थीटा क्या होता है, बराबर जो होता है 1/tan थीटा, टेन थीटा के अपोजिट होता है। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर 1/tan थीटा बराबर 2। अब इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर उधर जगह 2 tan थीटा, तो -2 tan थीटा प्लस 1 = 0। अब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर 1। और थीटा का मान कितना होता होगा, जब टेन थीटा 1 हो जाए तो थीटा का मान 45 डिग्री। तो यहाँ से भी बनाइएगा। तो इस मेथड का उपयोग नहीं करिए, डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए किस किसका मान कितना कितना होता है, डायरेक्ट पुट करिए आंसर आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन का। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 cos थीटा तो कॉट थीटा का मान क्या है। हमसे पूछ रहा है कि कॉट थीटा का मान क्या है, तो इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए। तो हमको क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दे दिया √2 cos थीटा। हमसे पूछा कि कॉट थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा बराबर क्या जानते हैं, कॉट थीटा क्या होता है, बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस और साइन के फॉर्म है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और टेन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या है, साइन प्लस कॉस है, इधर भी कॉस है तो एक तरफ कॉस को लेके चल जाइए। तो साइन थीटा बराबर जो है √2 cos थीटा, इधर प्लस कॉस थीटा है तो इधर जाके क्या होगा, -cos थीटा। यहाँ पर क्या है, दोनों जगह पे कॉस थीटा कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर कॉमन किया तो कितना बच गया, √2, यहाँ पे कॉमन किया तो -1, इधर तो साइन थीटा के बराबर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, यदि टेन थीटा का मान पूछता तो क्या करते, दोनों जगह कॉस से डिवाइड कर देते, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कॉट का मान। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों जगह पे साइन से भागा दे देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, साइन साइन कट गया। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, इधर √2 - 1 गुना में, इधर जाएगा क्या हुआ, भागा में। तो कॉट थीटा बराबर जो है हो गया 1/√2 - 1। या आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे कि कॉस थीटा है तो इधर लेके जाएंगे बटा में साइन थीटा हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा, इधर आके 1/√2 - 1 हो गया। तो ऑप्शन में हमको यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया कि 1/√2 - 1। तो इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए। तो यहाँ पे क्या करिए कि गुना कर दीजिए, यहाँ पे बीच में माइनस है ना, तो इसके अपोजिट साइन से √2 + 1 और बटा
रूट टू प्लस वन। ऊपर नीचे एक ही चीज गुना भागा किए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काटेंगे तो बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या, एक गुने रूट टू प्लस वन तो कितना हो गया रूट टू प्लस वन बटा ये क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे जा रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, पहलका का स्क्वायर माइनस दूसरका का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा रूट टू का स्क्वायर कितना होता है टू माइनस वन का स्क्वायर वन, तो दो में से एक गया तो कितना बचा एक, तो यहाँ पर कितना आ गया रूट टू प्लस वन। किसका मान तो कॉट थीटा का मान, हमसे पूछा भी था कि कॉट थीटा का मान कितना है तो रूट टू प्लस वन, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर जब रूट टू कॉस थीटा है तो कॉट थीटा का मान जो है रूट टू प्लस वन होगा। तब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थीटा एक न्यून कोण है, थीटा जो है न्यून कोण है, मतलब कि समझ है आप न्यून कोण, पहले ही प्रश्न में बताया कि थीटा न्यून कोण कह दे या कह दे कि थीटा जो है जीरो डिग्री से लेके 90 डिग्री तक है, जीरो डिग्री से बड़ा है थीटा और 90 डिग्री से छोटा है, तो न्यून कोण यही होता है कि 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे बता दिया कि जो है न्यून कोण है, और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दो है, तो टेन के पावर फाइव थीटा प्लस कॉट के पावर फाइव थीटा का मान क्या होगा हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे सो देखिए। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दो कब होगा जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है वन होता है, और कॉट 45 डिग्री का भी मान वन होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। और नहीं पता है यदि सब का मान तब हम आप लोग को एक टेबल में बनाकर आपके पास वीडियो में दे देंगे। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो गया 45, क्योंकि टेन 45 का मान वन और कॉट 45 का मान, यहाँ से पता चल गया कि थीटा का जो मान है 45 डिग्री। इसमें ये पुट करिए टेन के पावर पाँच 45 डिग्री प्लस कॉट के पावर पाँच 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है वन, टेन के पावर पाँच 45, टेन के पावर फाइव क्या है 45 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री के पावर पाँच और प्लस कॉट 45 डिग्री के पावर पाँच लिख सकते हैं ना। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है एक, एक के पावर पाँच कितना होगा एक ही होगा, और कॉट 45 डिग्री के पावर पाँच मतलब कि कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है एक, एक के पावर पाँच तो एक, तो एक प्लस एक कितना होता है दो, तो हमको पता चल गया कि टेन के पावर फाइव थीटा प्लस कॉट के पावर फाइव थीटा का मान भी दो ही होगा। ये दो कब हुआ जब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दो है, तब ही कि हम लोग यहाँ पर जान गए कि थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कौशेक थीटा बराबर दो हो तो साइन के पावर माइनस सेवन थीटा प्लस कौशेक के पावर सेवन थीटा का मान क्या है हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या दिया हुआ कि साइन थीटा प्लस कौशेक थीटा बराबर दो, तो कभी भी देखिए ना कि साइन थीटा का मान वन कब होता है, जब दो वाला प्रश्न दे देना तो डायरेक्ट देखिए, तो साइन थीटा साइन 90 डिग्री का मान जो है वन होता है, साइन 90 डिग्री का मान वन होता है और कौशेक 90 डिग्री का मान वन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चलेगा कि थीटा का मान जब 90 डिग्री होगा तब जो है साइन थीटा साइन 90 डिग्री प्लस कौशेक 90 डिग्री बराबर दो होगा, क्योंकि एक प्लस एक दो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करिए क्या है साइन के पावर माइनस सेवन थीटा प्लस कौशेक के पावर सेवन थीटा, यही ने दिया हुआ है पूछा इसका मान, तो साइन के पावर माइनस सेवन थीटा आप लोग को एक बताया था फॉर्मूला कि ए के पावर माइनस एम रहे ना तो इसको क्या करो कि वन बटा ए वही लिखना है और जो माइनस था ना उसको छोड़ देना है, ए के पावर एम हो गया, वही काम यहाँ पे वन बटा साइन के पावर सेवन थीटा हो जाएगा, माइनस हट जाएगा साइन के पावर सेवन थीटा और प्लस कोसेक के पावर सेवन थीटा। हम लोग जान गए कि यहाँ पर थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है वन होता है, तो वन बटा वन के पावर सेवन और प्लस कोसेक के पावर सेवन थीटा, तो यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री का भी मान क्या होता है थीटा, क्यों कितना लिया हम लोग 90 डिग्री लिया, तो कोसेक 90 डिग्री का मान भी कितना होता है वन, तो वन के पावर सात, तो यहाँ से भी एक बटा एक के पावर सात, कुछ एक के पावर महासंख्या ही कर दीजिए वो हमेशा एक ही होता है, प्लस एक के पावर सात कितना एक,
एक एक कितना हो गया, दो हो गया। तो यहाँ पे से भी पता चल गया कि इसका जो है राइट ऑप्शन सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी भी यहाँ पे कोई प्रश्न दे दे, कोई जैसे मैं साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दे देता, यहाँ पे आगे सोचना है कि साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है तो पुट कर दिए। जैसे मैं देखिए कहीं पर देखा कि कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा बराबर 2 कब होगा, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान जो है 1 होता है, तो सेक भी 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर जान गए कि थीटा का मान जो है 0 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट कर देंगे 0 डिग्री और उसके बाद बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा एक न्यून कोण है, अल्फा एक न्यून कोण है मतलब अल्फा क्या है 90 डिग्री से कम है, और क्या कर रहा है 2 sin α प्लस 15 cos α कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 7, तो कॉट अल्फा का मान क्या होगा, हमसे कॉट अल्फा का मान पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे सो देखिए, अल्फा क्या कर रहा है न्यून कोण है, मतलब कि अल्फा जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, न्यून कोण है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 sin α प्लस 15 cos² α बराबर 7 है। आप लोग एक सूत्र जानते होंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1 - sin² α, तो 2 sin α आप प्लस 15 cos² α की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 - sin² α बराबर कितना हो गया 7, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 2 sin α प्लस 15 × 1 = 15, बीच में माइनस का माइनस हो जाएगा, अब 15 × sin² α कितना हो गया 15 sin² α अब बराबर 7। यदि इधर से 7 आ जाएगा तो क्या होगा -7, तब 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो यहाँ पे हो गया -15 sin² α प्लस 2 sin α, इधर आगे क्या होगा -7, तो 15 में से 7 गया तो कितना बचा 8 बराबर 0। यहाँ पे माइनस है ना, तो क्या करिए ना कि माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर माइनस वहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हो गया 15 sin² α माइनस 2 sin α और -8 बराबर 0। इस सब इसको माइनस से दोनों पट्टी मल्टीप्लाई कर दें तो 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा 0 ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा माइनस गुने माइनस प्लस माइनस गुने प्लस माइनस तो हो गया। अब इसको तोड़ेंगे कैसे सो देखिए, यदि आप लोग को तोड़ने आता है इसको तब तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तोड़ने आता है सो भी सीख लीजिए। तो क्या करिए कि जो स्क्वायर जिसे में ये क्या है एक फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि ax² + bx आप प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं है, ए के जगह पर क्या है 15, बी के जगह पर -2 और सी के जगह पर -8 है ना। तो इसको तो एक तो कर सकते हैं एक्स के मेथड से, एक दूसरा है मेथड इसको क्या करिए कि एक्स स्क्वायर के बगल में जो है और अचर पद के जो बगल में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 और 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 8 को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा 120, 15 8 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 120 होगा। तो 120 को कितने तरह से तोड़ सकते हैं कि जो कि 2 आ जाए बीच में, यहाँ पे बीच में क्या है 2, x के बगल में क्या है b, तो हमको b लाना है यही सोचना है, ठीक है। तो सोचिए 15 - 8 यदि करें तो कितना होता है 7, बीच में तो 2 लाना है। यदि 12 दहा के 120 यदि हम लोग -12 और +10 कर दे तो क्या हमको -2 आ जाएगा यहाँ पे, यस। तो यही काम यहाँ पे करेंगे, 15 sin² α -12 sin α आप +10 sin α, हम लोग -2 sin α को नहीं लिख सकते हैं, -12 sin α +10 sin α क्योंकि दोनों का घटाएंगे तो -2 sin α ही आएगा, और -8 बराबर 0 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन है कर सकते हैं हम लोग, 3 sin α क्या है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 3 sin α कॉमन कर लिए, बच गया क्या 3 × 5 = 15 होता है 5 और sin α 12 sin α है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -4 प्लस
10 साइन अल्फा माइनस 8 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, 5 साइन अल्फा माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से जो है एक आ गया 3 साइन अल्फा प्लस 2, एक आ गया ये दोनों में कॉमन, एक यहाँ पे 5 साइन अल्फा माइनस 4 बराबर 0। तो एक आ गया हमको यहाँ पे कि साइन अल्फा बराबर 4/5, आ एक आ गया साइन अल्फा बराबर हमको मान यहाँ पे 3 साइन अल्फा प्लस 2 को 0 पुट करें तो यहाँ पर साइन अल्फा का मान कितना आ जाएगा, माइनस 2/3। लेकिन कौन होगा या कौन नहीं होगा, यहीं पे यूज है उसका कि थीटा जो है एक न्यून कोण है, उसका यहीं पे महत्व है। कैसे महत्व है सो देखिए, साइन कोई भी जो क्वाड्रेंट होता है, ये क्या है, ये 0 से 90 डिग्री है, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 380, 360, 0, 90, 270, 180 यहाँ पे, ठीक है, 180 यहाँ पे, 270 और यहाँ पे फिर 360 डिग्री होता है। इसमें जो होता है ऑल साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस सब पॉजिटिव होता है, इसमें जो होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें होता है कौन, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो हमको क्या करा है, 0 से 90 डिग्री यही जल्दी कहा था कि यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि क्या है साइन निगेटिव कब होता है, चाहे तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब 180 से 270 के बीच में या 270 से 360 के बीच में, तो हम लोग को क्या होगा, साइन अल्फा बराबर माइनस 2/3 को नहीं लेंगे, इसका यही यूज है। हमको क्या कहा, साइन अल्फा बराबर 4/5, डेट मार दे आंसर 4/5, बी ऑप्शन सही दिख रहा होगा बहुत लोग को, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, कॉट अल्फा का मान पूछा है, ठीक है। तो यदि साइन अल्फा का मान पता चल गया तो कॉट अल्फा का ज्ञात करना है, यही ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे सो देखिए, साइन अल्फा बराबर साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा धार, पी बटा एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये क्या है अल्फा, ये क्या होता है सामने वाला पी और इधर एच, तो इधर क्या हो गया 4 और इधर 5, क्योंकि पी के जगह पर 4 है, एच के जगह पर 5 है, तो इसको निकालना है तो क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 के स्क्वायर 16, तो रूट अंडर 25 माइनस 16, 25 में 16 जाएगा कितना 9, 9 का रूट स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ से पता चलेगा कि ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तो कॉट अल्फा का मान कितना होता है b/p, तो b क्या है यही ना है, तो 3/4, तो हमको यहाँ से पता चलेगा कि इसका कॉट अल्फा का जो मान है 3/4 है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे, 3/4 किस में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें, थैंक यू।